अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं बेचारे मिडिल क्लास के बारे में बात करूंगा, बेचारे मिडिल क्लास फैमिली। मैं इनको बेचारा क्यों बोल रहा हूं यह आपको आगे समझ में आएगा। कुछ लोग इसको मजे के लिए भी सुन सकते हैं, लेकिन बातें सब हकीकत वाली है। और याद रखें, हम भी मिडिल क्लास ही है। हिंदुस्तान में दो ही लोग बड़े इत्मीनान से हैं, एक गरीब और एक अमीर। ये जो दरमियान वाले हैं ना, मिडिल क्लास, हम जैसे लोग, इनमें बड़ा फर्क होता है। ये रख रखाव से तो लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में लड़ाइयां इस वजह से होती है कि घी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। हमारे यहां काबिले रहम और काबिले नफरत दो ही लोग होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। अमीर काबिले नफरत इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा है, और गरीब काबिले रहम इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और हिंदुस्तान का बजट भी इन दो लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। गवर्नमेंट की सारी नजर इन दो लोगों पर ही होती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडिल क्लास होता है। अमीर लोग इसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग अमीर। ये मिडिल क्लास कौन होता है, कैसा दिखता है? ये मिडिल क्लास वो होता है जिसके पास अमीरों वाली हर चीज होती है, लेकिन मैक्सिमम सेकेंड हैंड होती है। इसके पास घर तो होता है, लेकिन अक्सर किराए का होता है। गाड़ी होती है, लेकिन 10-20 साल पुरानी होती है। घर में एसी तो होता है, लेकिन अक्सर पंखा या कूलर ही चलता है। कपड़े साफ होते हैं, लेकिन चलते कई कई साल हैं। घर में यूपीएस यानी इन्वर्टर होता है, लेकिन उसकी बैटरी चलती 1-2 घंटे ही है। इसके पास अच्छा मोबाइल होता है, लेकिन अक्सर इस्तेमाल शुदा होता है, और इसके घर में 1-2 बार तो चिकन बन ही जाता है। ये अपने बच्चों को पार्क में या गार्डन में सैर व तफरी और घूमने के लिए लेकर जब जाता है ना, तो अक्सर घर से खाना खाकर ही निकलता है। उसके पास एटीएम कार्ड तो होता है, लेकिन कभी 500 से ज्यादा ना निकालने की जरूरत पड़ती है और ना हिम्मत होती है। ये दिन रात कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार करने का मंसूबा या प्लान बनाता रहता है जिसमें कोई खर्च करने की जरूरत न पड़े। और इसकी गाड़ी जो होती है ना, इसकी कार सिर्फ सर्दियों में कमाल की कूलिंग देती है। ये जब भी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में लेकर जाता है ना, तो 5-6 अफराद की फैमिली 2 बर्गर में ही निपट जाती है। और अगर ये इसकी मजबूरी ये है कि अगर ये जाहिर करे कि मेरे पास पैसा बहुत है, तो रिश्तेदार उधार मांगने के लिए आ जाते हैं, और अगर न बताए तो कोई मुंह नहीं लगाता। असलियत में ये जो बेचारा मिडिल क्लास है ना, ये गरीबों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहा होता है। इसकी सारी जिंदगी कमेटियां डालने में, बिस्सियां डालने में और उसको भरने में गुजर जाती है। हिंदुस्तान में अमीरों और गरीबों से कई ज्यादा तादाद मिडिल क्लास लोगों की है, लेकिन ये किसी खाते में शुमार ही नहीं होते। हमारे यहां हर वो बंदा मजे में है जिसके पास या तो बहुत सारा पैसा है या बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास पैसा है वो एसी में सो जाता है, और जिसके पास नहीं है वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला किसी से कुछ नहीं मांगता, और गरीब हर किसी के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। रगड़ा तो इसको लगता है, इस मिडिल क्लास को, जिसके पास पैसा तो है लेकिन सिर्फ गुजारे लायक। गरीबों की अक्सरियत ये मिडिल क्लास ही पाल रही है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खौफ खुदा भी इस मिडिल क्लास में ही पाया जाता है, और यही मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सदका और खैरात करती है। बाज़ औकात तो इनकी जिंदगी गरीब से भी बदतर गुजर रही होती है,
लेकिन हालात के मारे ये बेचारे किसी को बताते भी नहीं हैं। आपने अपर क्लास और लोअर क्लास का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन गरीबों में कोई लोअर गरीब या अपर गरीब नहीं होता। ये सिर्फ मिडिल क्लास में ही ये नाम सुनने को मिलता है, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। लोअर और अपर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। लोअर क्लास वालों के पास मोटरसाइकिल होती है और अपर क्लास वालों के पास पुराने मॉडल की कार होती है, और नींदे दोनों की उड़ी रहती है। ये ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की ताकत न रखने के बावजूद भी किसी ऊंट या किसी जानवर में हिस्सा तो ले ही लेते हैं। इनकी सारी जिंदगी घर की फालतू लाइट्स बंद करने और बिल कम करने के मंसूबे बनाने में गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 रुपए का रिचार्ज भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। घर वालों को बता दिया होता है कि अगर मैं एक मिस कॉल दूं इसका मतलब मैं आ रहा हूं, और 2 मिस कॉल दूं तो इसका मतलब मैं लेट हो जाऊंगा। ये एक दिन के इस तरीके के कपड़े 2 दिन चलाते हैं, और ये लोग हर 2 दिन में अपना शक दूर करने के लिए बिजली के मीटर की रीडिंग भी चेक करते रहते हैं। ये कभी इस काबिल भी नहीं हो पाते कि एक ही महीने में बिजली का, गैस का, पानी का सारे बिल एक साथ इकट्ठा दे दे। लिहाजा बिजली का बिल अदा कर देते हैं कभी कभी, और बाकी के बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। और इनमें अक्सर ये चूके पढ़ी लिखी होती है, लिहाजा ये किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद मिडिल क्लास वालों की सबसे खास बात यह होती है कि इनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। ये हमेशा आपको हंसते खेलते नजर आएंगे। भले सामान थोड़ा कम है, सजाने सवारने की चीजें और आसाइश की चीजें कम है, घर छोटा है या किराए का है, गाड़ी नई नई सेकंड हैंड है, मोबाइल नया नहीं इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आपको हमेशा मिलेंगी। इनमें अक्सरियत खुदा का शुक्र अदा करने वाली और थोड़े में खुश रहने वाली होती है। ये लोगों की मदद करने में सबसे आगे होते हैं। ये गरीबों की मदद करने में, बेवाओं को सहारा देने में और बेसहारों का सहारा बनने में और यतीमों के सर पर हाथ रखने में ये मिडिल क्लास सबसे आगे होती है। सबसे ज्यादा खौफ खुदा और अल्लाह का डर इन्हीं लोगों में होता है। ये सदका, जकात और खैरात देने में पहल करने वाले लोग होते हैं, और ये कनात पसंद होते हैं। और कनात पसंद लोग यानी थोड़े में खुश रहने वाले लोग अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताना, और मेरे लिए दुआ करते रहना। सलाम अलैकुम। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, गिजा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा, क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे।